इसराइल ने बेरूत एयरपोर्ट के पास देर रात किया हमला, एक के बाद एक 10 एयर स्ट्राइक किए गए। बेरूत एयरपोर्ट के पास धमाके के बाद रोशनी से नहा उठा आसमान, फिलहाल हताहतों की तादाद की खबर नहीं। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ हमलों के तेज किए, बेरूत ने कई इलाकों में धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। इजरायली सेना के प्रमुख ने हिजबुल्ला को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, कहा कि लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाना जारी रहेगा। हिजबुल्ला ने इजरायली सेना के 17 अधिकारी और सैनिकों को मार गिराने का दावा किया, कहा कि उत्तरी इसराइल में IDF के खिलाफ किए गए हैं 28 सैन्य ऑपरेशन। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, हिजबुल्ला के ठिकाने में घुसते नजर आए सैनिक। इजरायली सैनिकों के साथ टैंक्स का भी दिखा एक्शन, हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर धमाकों की वीडियो भी सामने आए। WHO का इसराइल पर बड़ा आरोप, लेबनान में हुए हमले में 28 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत, सीजफायर की मांग। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स अटैक का नया वीडियो गुरुवार को जारी किया, एक के बाद एक कई मिसाइल हवा में उड़ते नजर आए। ईरान ने मंगलवार को इसराइल पर करीब 180 से ज्यादा मिसाइल दागे थे, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इसराइल ने ईरानी हमले को बताया था नाकाम। लेबनान में इजरायली हमले के बाद लोगों का पलायन शुरू, जहाज के दक्षिणी तुर्की के बंदरगाह पर पहुंचे 300 से ज्यादा लोग। स्पेन ने लेबनान से अपने नागरिकों को किया एयरलिफ्ट, सेना के विमान के जरिए 200 से ज्यादा लोगों को मैड्रिड पहुंचाया। यमन की हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में ब्रिटेन के ऑयल टैंकर उड़ाने का दावा किया, धमाके का वीडियो भी जारी किया। हुती विद्रोहियों ने बंदरगाह शहर हुदैदा से करीब 110 किलोमीटर दूर लाल सागर में ऑयल टैंकर पर हमला किया, टैंकर के बीचों बीच धमाका हुआ। यूपी के अमेठी में एक स्कूल टीचर सहित परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, पुलिस चंदन वर्मा नाम के आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक टीचर की पत्नी ने 1 महीने पहले चंदन वर्मा के खिलाफ अश्लील हरकत करने की शिकायत करवाई थी, चंदन ने की थी पति की हत्या की धमकी। सीएम योगी ने टीचर और उनके परिवार की हत्या पर संज्ञान लिया, दोषियों को तुरंत पकड़ने के लिए सख्त निर्देश दिए। अमेठी हत्याकांड पर सियासत शुरू, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार को घेरा, लिखा कोई है कहीं है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट की वजह से एक सरकारी स्कूल की टीचर की मौत, व्हाट्सएप पर आए पुलिस की वर्दी वाले कॉल में बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की बात कर 1 लाख की फिरौती मांगी गई थी। महिला टीचर को कॉल पर उनकी बेटी की तस्वीर वायरल करने और FIR करने की धमकी दी गई, 15 मिनट में 1 लाख रुपए की मांग की गई, 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही टीचर। महिला टीचर के बेटे के मुताबिक उनकी मां ने पैसे भेजने के लिए 2 नंबर दिए थे, एक पाकिस्तान का और एक भारत का नंबर था, घबराहट में हार्ट अटैक की वजह सामने आई। महिला टीचर के बेटे ने आगरा पुलिस को 2 नंबर की बाकी साक्ष्य भी सौंपे हैं, पुलिस केस दर्ज कर कॉल करने वाले को ट्रेस करने में जुटी है। मेरठ में वेज रोल की जगह एग रोल खिलाने का मामला आया सामने, अघरनाथ मंदिर के सेवादार नीतीश बुद्धि राजा ने लगाया आरोप। नीतीश के मुताबिक ऑनलाइन ऑर्डर बुक करके उन्होंने मंगवाया था वेज रोल, आप रोल्स के नाम से दुकान से भेजा गया एग रोल। मेरठ पुलिस ने दुकान के खिलाफ केस दर्ज किया, फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का आरोपी हुसैन उर्फ शाहिद को UPSTF ने गिरफ्तार किया, बताया कि मोबाइल स्नैचिंग के लिए तोड़ता था गाड़ी के कांच। वाराणसी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पनकी स्टेशन के पास पथराव, C7 कोच का शीशा टूटा, इसी लोकेशन पर 1 साल में 7 बार हो चुके पथराव। MP के रतलाम में मालगाड़ी पटरी से उतरी, ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, डिब्बों को ट्रैक से दूर हटाया गया। DRM के मुताबिक ट्रेन राजकोट से बकनिया जा रही थी, डिब्बों को ट्रैक से हटाने के बाद ट्रेनों को परिचालन शुरू किया गया। दिल्ली में आज से कौटिल्य पार्थिक सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने मराठी सहित 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी, PM मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं को दी मंजूरी, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी, कहा कि ऐतिहासिक निर्णय है। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी के बाद बोले महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे, कहा कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। CM एकनाथ शिंदे बोले, मैं PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का शुक्रिया अदा करता हूं, इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। मराठी को शास्त्रीय भाषा का ऊर्जा देने की मंजूरी पर डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी, कहा कि मैं PM नरेंद्र मोदी और पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार का फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाल के हर एक बंगाली की तरफ से PM मोदी और उनकी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 बड़े फैसले, PM राष्ट्र कृषि और कृषि उन्नति योजना को मिली मंजूरी। कैबिनेट से रेलवे कर्मचारियों के लिए सौगात, 78 दिन के बोनस पर मुहर, 11,72,000 कर्मचारियों को फायदा। हरियाणा में प्रचार के आखिरी दिन PM मोदी ने जताया भरोसा, बीजेपी को फिर आशीर्वाद देगा हरियाणा, कांग्रेस की विभाजनकारी नीति कभी स्वीकार नहीं करेंगे लोग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और जिंद में यूपी के CM योगी ने राहुल पर निशाना साधा, कहा कि खटाखट कहने वाले सफा चट हो गए। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के ड्रग्स कनेक्शन की एंट्री, CM योगी बोले आज के चंड मुंड और महिषासुर हैं नशे के कारोबारी, मेरा जो विरोध कर रहे हैं वो पैसे लेकर आए हैं। अम्बाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का बयान,
हरियाणा के रण में राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले संविधान बर्बाद कर रही है बीजेपी और संघ। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने जहां जहां नफरत का बाजार खोला वहां हमने मोहब्बत की दुकान खोली। हरियाणा के छोटे दलों को राहुल ने बीजेपी की टीम बताया, कहा कि इन्हें समर्थन देने की बजाय कांग्रेस को वोट करें। हरियाणा में मतदान से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल। अशोक तंवर के कांग्रेस में जाने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पार्टी में बोझ बने थे, जो लोग ज्यादा दल बदलते हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है। अशोक तंवर के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोली सांसद किरण चौधरी, बीजेपी सरकार बनाएगी और बहुमत में आएगी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले कुमारी शैलजा, प्रचार के आखिरी दिन दोनों नेताओं की मुलाकात। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थी कुमारी शैलजा, वोटिंग से पहले शैलजा की नाराजगी दूर करने की कोशिश। जेल में बंद कांग्रेस विधायक के बेटे सिकंदर चौखर का वीडियो वायरल, हरियाणा की सड़कों पर घूमता दिखा, चुनाव को लेकर मीटिंग करने का भी आरोप। बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में हुआ था भर्ती, ईडी की रेड में जेल से बाहर रहने का हुआ खुलासा, 400 करोड़ के घोटाले में जेल में बंद था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 63.88% मतदान हुआ, चुनाव आयोग ने फाइनल डेटा जारी किया। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान से गदगद बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने लोगों को जताया आभार। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू का विवादित बयान, वीर सावरकर को मांसाहारी बताया, कहा कि गौहत्या के खिलाफ नहीं थे सावरकर। दिनेश गुंडू के बयान पर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा कि कांग्रेस बार बार सावरकर का अपमान करती है। प्रशांत किशोर का उपचुनाव लड़ने का ऐलान, कहा कि समाज से ही राजनीति में सुधार संभव। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा कि लालू यादव का बेटा होने के अलावा उनकी क्या पहचान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से श्रीलंका दौरा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिसानायक से करेंगे मुलाकात। अमेरिका में पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई की मुलाकात, भारत अमेरिका व्यापार बढ़ाने के तरीके पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली में एनएसए अजीत डोवाल ने अपने जर्मन समकक्ष जेन्स प्लांटर्स से मुलाकात की, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली में सीएम मोहन चरण मांझी ने निवेशकों के साथ पहली बैठक की, ओडिशा में निवेश को लेकर बातचीत। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जांच के लिए समिति के गठन पर सुझाव देगी केंद्र सरकार। मूडा केस में कर्नाटक सिद्धरमैया पर ईडी ने एक और केस किया, सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने फिर इस्तीफा देने से किया इनकार, कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, सच की जीत होगी। दिल्ली एनसीआर में पराली से बढ़ रहे हैं प्रदूषण के मामले, सुप्रीम कोर्ट ने सीकेयूएम को लगाई फटकार, पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया, कहा। सुप्रीम कोर्ट से ईशा फाउंडेशन को राहत, पुलिस जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। झारखंड के गुमला में 5 माओवादी गिरफ्तार, पुलिस ने माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम का छापा, दुबई से भारत आ रहे 4 लोगों के पास से 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स बरामद, पुलिस तस्करों से कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र के नंदुरबार में तेंदुए का अटैक, 9 साल के बच्चे की मौत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। दिल्ली के सुल्तानपुरी में दुकानदार को धमकाने का मामला सामने आया, वायरल वीडियो पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ में डूबे, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का कहर, कटरा प्रखंड में चारों तरफ पानी ही पानी भरा। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में बाढ़ से हाल बेहाल, 1.5 लाख लोग प्रभावित। गोरखपुर में उफान पर राप्ती नदी, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की हो रही है पूजा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा, मंदिर में भक्तों के ओर से जयकारा लगाया गया। पीएम मोदी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा कि शक्ति वंदना का पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो। भोपाल में राम मंदिर की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल, पंडाल की ड्रोन से ली गई तस्वीर आई सामने। कोलकाता में धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्रि, तिरुपति बालाजी की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल, लोग पंडाल की तस्वीर लेते नजर आए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की कलश स्थापना, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की पूजा। मथुरा में रामलीला महोत्सव के दौरान निकाली गई भगवान राम की बारात, शहर में बारात के साथ उमड़ी भक्तों की भीड़, बारात में निकाली गई झांकी। अयोध्या में दुर्गा पूजा के दौरान रामलीला का भी मंचन हुआ, फिल्मी कलाकार रामलीला के किरदार में नजर आए। लखनऊ में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक, त्योहारों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा हुई। नवरात्रि के महोत्सव को लेकर एक्शन में नोएडा पुलिस, ज्वाइंट कमिश्नर शिवहरी मीना ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। मुंबई में धूमधाम से मनाया गया नवरात्रि का त्यौहार, लोगों ने किया गरबा परफॉर्म, सैकड़ों लोग एक साथ गरबा में झूमते नजर आए। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर का निर्माण शुरू, 161 फीट होगी ऊंचाई, 4 महीने में काम पूरा होगा। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में बाहर का मिठाई का भोग लगना वर्जित हुआ, मंदिर के बाहर बोट। अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य में बड़ा बोट हादसा, कीवू झील में डूबी सैलानियों से भरी नाव, कम से कम 78 लोगों की मौत। प्रशासन के मुताबिक नाव पर तकरीबन 278 लोग सवार थे, लहरों पर एक तरफ झुकने के बाद देखते देखते झील में डूब गई नाव। ताइवान में टाइफून क्रोथान ने मचाई तबाही, काओशुंग शहर में कम से कम 2 लोगों की मौत, 123 से ज्यादा लोग हुए घायल।
अमेरिका के फ्लोरिडा में पिछले 13 महीने में 3 तूफानों ने किया भारी नुकसान। स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद में जुटा। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। न्यूजीलैंड से सामना, भारत के लिए जीत के लिए आगाज करना जरूरी। दुबई में भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। हरमनप्रीत कौर के पास टीम इंडिया की कमान। सोफी डिवाइन की अगुवाई में उतरेगी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप मुकाबले में हरमनप्रीत कौर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने किया खुलासा। हरभजन ने महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को भारत के लिए चुनौती बताया। कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत। विश्व कप क्वालिफायर के लिए अर्जेंटीना की टीम में मेसी की वापसी, टखने की चोट से परेशान।